नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूँ स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। 3 साल के लिए करना है निवेश, कैसा रहेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं। अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट पत्नी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कैसे होगा ये। हर महीने 12,000 निवेश करना है, वीकली एसआईपी करें या फिर मंथली एसआईपी। और फंड नामा में इस हफ्ते लंबे वक्त में मिड कैप इंडेक्स ने किया है लार्ज कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म, तो क्या म्यूचुअल फंड निवेशक को लंबे वक्त के लिए मिड कैप फंड चुनना चाहिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच स्वाति, बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ मोहन जगन्नाथ जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मोहन जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। बैंगलोर से, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। तो मैं इनको एक पराग फ्लेक्सिंग म्यूचुअल फंड, लॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी फंड, सो मेरे को टाइम हॉरिजन है 3 इयर्स, सो कैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, कैसा क्या रिटर्न्स मिलेगा मेरे को, ये अच्छा है फंड इन्वेस्ट करने के लिए। आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही क्यों शॉर्टलिस्ट किया है सर, कोई पर्टिकुलर वजह? मैं एक्चुअली ऑनलाइन में चेक कर रहा था, तो रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा आ रहा था, सो इसलिए मैं सजेशंस चाहिए मेरे को वेदर टू इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है 3 इयर्स हॉरिजन के लिए। एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर यू सर, आपके पोर्टफोलियो में और कौन कौन से फंड है अगर आप शेयर कर सके, आपको याद हो नाम तो? मेरे को HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, एमर्जिंग एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, और HDFC चाइल्ड फंड है। अच्छा। और मेरे पास कौन सा मोतीलाल अस्वाल 95 लॉन्ग इक्विटी फंड है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। इनके पोर्टफोलियो में मुझे अभी एक जो चिल्ड्रन फंड है शायद वो है, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हालांकि, लेकिन वो फ्लेक्सी कैप की तरह या मल्टी कैप की तरह काम करेगा। कीर्तन, उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा मल्टी कैप में एक्सपोजर फिलहाल इनका। आपके लिहाज से क्या है ये चुनाव सही है? 3 साल क्या सफिशेंट वक्त है फ्लेक्सी कैप में या किसी भी फ्लेक्सी कैप में, पराग पारे की अगर हम बात ना करें तो भी? सो स्वाति, जैसे हमने पहले भी बहुत शोज किए, आपको पता है मेरी राय फ्लेक्सी कैप पराग पारिक फंड के बारे में बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फंड का अगर आप पास परफॉर्मेंस देखें तो ये हर पैरामीटर पे, ना सिर्फ इंडेक्स को पर रिस्क रिटर्न पैरामीटर पे, अपने कैटेगरी में ऑलमोस्ट सारे फंड से बेहतर परफॉर्मेंस करता है। पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 साल 5 साल में इसका फंड का परफॉर्मेंस प्रीडोमिनेंटली इंटरनेशनल इक्विटी में एक्सपोजर के कारण आया है, तो अगर आप थोड़ा सा और डीप जाके इसका पोर्टफोलियो स्टडी करेंगे तो क्योंकि ये पिछले 3 सालों में जो टेक्नोलॉजी रैली आई है इंटरनेशनल मार्केट में जिसमें इस फंड का एक्सपोजर था, उसकी वजह से सबसे ज्यादा रिटर्न इस फंड ने जनरेट किए हैं। अब अगर आज इन्वेस्टमेंट करने की बात करें स्वाति, तो मेरे 2 एप्रिहेंशंस है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे नियर टर्म पर्सपेक्टिव से, और अगर आप आज का पराग पारेख का पोर्टफोलियो थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करें तो आज भी उनका मेजर एक्सपोजर इन टेक स्टॉक्स में है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर के जिसकी वजह से फंड ने पिछले 3 साल ने अच्छा परफॉर्म किया था, पर मुझे लग रहा है कि ये टेक स्टॉक्स भी थोड़े से ओवर वैल्यूड है। तो मेरी जगन्नाथ जी से 2 सजेशंस है या रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो पैसा लमसम इन्वेस्ट ना करें इस समय पे, आप एक
डेट फंड में डालकर उसे एसटीपी करने की कोशिश कीजिए। सेकंड, 3 साल से नीचे का टाइम होराइजन बिल्कुल मत रखिए इस समय पे इन्वेस्ट करने के लिए। और तीसरी, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखिए, 8 से 10% CAGR मिलने की मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पैसा आप इस एक फंड में ना डालकर अगर 2 या 3 फंड्स में डाइवर्सिफाई करें तो आपके लिए बेहतर होगा मेरे हिसाब से। मोहन जी? यस, मैं आपको जवाब मिल गया अपने सवाल का। कौन सा फंड डाल सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कौन सा फंड अच्छा है? कीर्तन, सो ऑफकोर्स आप एक PPF है जो आपने लिया है वो ले लीजिए। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लार्ज कैप स्पेस में आप देखेंगे तो मुझे कैनरा रिबेको का फंड बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मल्टी कैप स्पेस में देखेंगे तो मुझे एक्सेस फोकस 25 अच्छा लगता है। तो ये 3 फंड्स में आप डेफिनेटली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जगन्नाथ जी आपका पैसा। कौन सा? पराग पारेख। ओके सर, तो मैं तो एक डाउट आया था, कोई बोल रहा था मेरे को मालूम नहीं, आई एम जस्ट मेरे को इन्वेस्ट करने के बाद कोई बोल रहा था कंपनी क्लोज होगा, रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है 3 साल से, अच्छा है, मैं ऑनलाइन में चेक कर रहा था और एनीथिंग, तो इसलिए मेरे को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ इन्वेस्ट करने के बाद कुछ नहीं होगा, इसलिए मेरे को एक मुझे लगता है ये डाउट जो आता है कीर्तन, क्योंकि इनके पास 3 ही फंड है इनके पास पोर्टफोलियो में, इन्होंने और ज़्यादा अभी नहीं लॉन्च किए हुए, एक टैक्स सेवर, एक लिक्विड और एक फ्लेक्सी कैप, एम आई राइट? स्वाति, इनफैक्ट दूसरा प्रॉब्लम ये है, अगर मैंने इन्होंने जो फंड्स के नाम बताए वो बराबर से सुने तो कि उनका फोकस या कॉन्सेंट्रेशन एक AMC में बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरा प्रॉब्लम है इनके पोर्टफोलियो में। तो मैं ये डेफिनेटली उन्हें सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो टोटल 4-5 पोर्टफोलियोज या फंड्स में आप डेफिनेटली निवेश करें, और ट्राई कीजिए वो 4 या 5 फंड जिसमें आप निवेश करें वो सब अलग अलग AMCs के हो, उससे थोड़ी सी बेहतर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी। आप कैटेगरी फंड की अलग अलग चूज करें जिससे स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन अच्छा मिल जाएगा, और देखिए ये सब सेबी के द्वारा वेल रेगुलेटेड है, तो मुझे नहीं लगता है जगन्नाथ जी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है कि कल उठ के फंड हाउस बंद हो जाएगा, मेरे हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है जी। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त भरत जी। भरत जी नमस्ते, कैसे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? मैडम पहले जी टीम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सवाल लेने के लिए, और सवाल मेरा मैडम इस तरह से है कि मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो इसको ट्रांसफर करना क्या पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कितनी लिमिट में मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें अगर होता है तो उसमें देनदारी किसकी होगी, मेरी होगी या मेरी वाइफ की होगी, और टैक्स जो बनेगा उसके ऊपर वो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा या उसके ऊपर जो कोई फिक्स टैक्स रेट होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा सवाल मुझे नहीं याद है कि कभी मैंने लिया हो, बताएं कीर्तन ये जो यूनिट्स ट्रांसफर करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो आसान है या फिर थोड़ा लंबा चलता है? स्वाति, ये ट्रांसफर करने का प्रोसीजर लंबा तो नहीं है, थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, पर इसमें समझने वाली ये बात है कि अगर आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एक सेल और बाई ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो अगर भरत जी अगर उनके डीमैट अकाउंट से अपनी वाइफ के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये ऐसा माना जाएगा कि भरत जी सेल कर रहे हैं और उनकी वाइफ बाई कर रही है। तो उस हिसाब से जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस है वो एप्लीकेबल टैक्सेस उसी तरह से लगेंगे जिस तरीके से भरत जी ने अगर सेल किया होता और किसी और ने बाय किया होता तो लगते। जैसे लेट्स से अगर भरत जी ने
ये ट्रांसफर किए तो भरत जी सेल कर रहे हैं और उनकी वाइफ बाय कर रही है, तो क्योंकि वाइफ बाय कर रही है तो उनको बाय करने पे कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा, पर क्योंकि भरत जी सेल कर रहे हैं और अगर उन्होंने ये एक साल के अंदर किया है, यानी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदने के एक साल में ये ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा इक्विटी पे जो है 15%, और अगर ये एक साल से ऊपर हो चुका है तो उन्हें 10% कैपिटल गेन्स लगेगा। सॉरी, ये एग्जैक्टली वैसे ही ऑपरेट करेगा जैसे आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स बाय या सेल करते हैं। सिर्फ इस केस में हो ये रहा है कि आप मार्केट में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे और ये एक आप फॉर्म साइन करके ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, इसके लिए कोई फॉर्म भरना होता है। जनरली टिपिकली ट्रेडिशनल ब्रोकर्स इसे एक फॉर्म साइन करके एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं। ओके, भरत जी, क्लैरिटी मिल गई आपको? हाँ, लेकिन मैडम एक टैक्स का जो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे, टैक्स जो बनेगा 15% फिक्स है या टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा? स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जो इक्विटी का टैक्सेशन है शॉर्ट टर्म है तो 15%, लॉन्ग टर्म है एक साल से ऊपर है अगर तो 10%। ओके मैडम, थैंक यू। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ब्रिजमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजमोहन जी आप हैं हमारे साथ? हेलो। हाँ ब्रिजमोहन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अपना सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल ये था जी, मैंने जो लिखा है ऑलरेडी, हाँ, कि मतलब जो अगर डीमैट में कोई म्यूचुअल फंड है, हाँ, तो उनको डायरेक्टली कैसे लिया जा सकता है? उसको आपको नॉन डीमैट में चेंज करना है आपको? बताएं इसका प्रोसेस क्या है। स्वाति, इसका प्रोसेस एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर आपके पास फिजिकल म्यूचुअल फंड्स है उसको अगर आपको डीमैट में कन्वर्ट करना है, हाँ, वो जो प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस है जब आपको डीमैट से फिजिकल में आना है जी। तो आप आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी होगा आपका डीपी, उसके पास जाकर एक डीआरएफ फॉर्म साइन करना पड़ेगा जिसे कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। आप जैसे ही डीआरएफ फॉर्म साइन करके अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी को दे देंगे, तकरीबन 14 से 21 दिन में ये डीमैट के म्यूचुअल फंड्स आपके फिजिकल में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, ब्रिजमोहन जी, चलिए यहाँ पे आई होप कि उनको जवाब सुनाई दिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हमारी पूरी होगी। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन शो में। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। अगला सवाल लेते हैं अनिकेत जी का, ईमेल के जरिए सवाल भेजा इन्होंने। 3 साल से निवेश कर रहे हैं SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में। एम इज टू क्रिएट वेल्थ, इमरजेंसी फंड ऑलरेडी उन्होंने बना के रखा हुआ है। सवाल ये है कि 12,000 हर महीने निवेश करना और चाहते हैं, लेकिन थोड़े उलझन में है कि ये वीकली SIP ले या फिर मंथली SIP। जो फंड सेलेक्ट किया है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और UTI इंडेक्स फंड। 2 सवाल यहाँ पे, एक सवाल मेरी तरफ से भी, क्या 12,000 दो फंड में बांटना ठीक होगा या फिर थोड़े से और ऐड करें? और वीकली और SIP, तो इनका सवाल वीकली और मंथली SIP पे आपकी राय, कीर्तन। स्वाति, हमारे एंड पे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं कि इन्वेस्टर को 10,000 इन्वेस्ट करना हो या 10,00,000 इन्वेस्ट करना हो, 4 या 5 फंड्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है अलग अलग AMCs के और अलग अलग कैटेगरी के, तो आप अच्छी तरीके से मार्केट में डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, ये हमारा मानना है और यही एक सिंपल फिलोसफी हम खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 12,000 है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर उसे 4 फंड्स में
3,000 करके अनिकेत जी डेफिनेटली उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. पर उन्होंने जो दो स्कीम्स चुनी है वो दोनों स्कीम्स अच्छी है मेरे हिसाब से, और उन्हें डेफिनेटली उन दोनों स्कीम्स में कंटिन्यू करना चाहिए. और स्वाति, हमने ये बहुत रिसर्च पास्ट में भी की हुई थी कि क्या 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15, 20, 25 ऐसे किसी भी डेट पे पैसा डालने से क्या लंबे समय पे इन्वेस्टर को कुछ ज्यादा या कुछ बेनिफिट होता है. और स्वाति, बहुत सारी मेहनत के बाद हम ये कंक्लूजन पे आए थे कि टिपिकली अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया लंबा है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप डेट 5 ले या 15 ले या 25 ले. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन छोटा है राइट, और मार्केट वॉलेटाइल है जैसे आज है मार्केट, तो आप वीकली SIP करें तो अच्छा होगा. क्योंकि आप मार्केट क्योंकि रोज ऊपर नीचे जा रहे हैं, आप इस वॉलेटिलिटी को ज्यादा अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाएंगे. पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप वीकली करें या मंथली करें. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना लंबा समय है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज आउट हो जाता है जो आइडियल बेनिफिट है एक SIP का. तो मुझे नहीं लगता अगर अनिकेत जी का इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा लंबा है 5 साल, 7 साल, 8 साल तो उन्हें वीकली जाने की जरूरत है. अगर वो मंथली भी करे तो उनका फायदा उतना ही रहेगा मेरे हिसाब से. और ये भी है कि वीकली करेंगे तो अकाउंट में पैसे रखना बहुत जरूरी होगा. अमूमन जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनका ज्यादातर पैसा पहली 10 तारीख के आसपास ही ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है. तो वो एक मेंटेन करना, कि अगर वीकली कर रहे हैं तो एक कैश फ्लो मेंटेन करना उनके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल काम भी हो सकता है. अगला सवाल माफ़ कीजिएगा, हर्ष भंडारी जी का, जानना चाहते हैं कि खुद ऐसी कैसे तैयारी करें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, पढ़ाई कहाँ से करें, कैसे सीखें कि खुद से फंड कैसे चुन सकते हैं. साथ ही एक सवाल ये भी है कि जो एडवाइज़र है अगर उन्होंने उसके ज़रिए निवेश किया था कभी, और जो अगर बाद में ये डायरेक्टली करते हैं खुद से निवेश, तो क्या कमीशन तब भी उसको मिलेगा एडवाइज़र को, या जो मुझे समझ में आ रहा है इनके सवाल से, हो सकता है कि सवाल कुछ और हो, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है यही है कि अगर उन्होंने एडवाइज़र के ज़रिए निवेश शुरू किया है और बाद में उसका चार्ज वो खुद अपने हाथ में ले लेते हैं, तो क्या कमीशन कंटिन्यू जाता रहेगा एडवाइज़र के पास. सुस्वाति, पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूँ. देखिए, अगर वो किसी एक RIA के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो RIA या तो आपको एक फिक्स्ड फी चार्ज कर सकते हैं 1,25,000 रुपए तक की, या आपको एक परसेंटेज ऑफ AUM से पैसा चार्ज कर सकते हैं. तो अगर एक RIA के रूट के थ्रू जा रहे हैं आप, तो आपका इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से डायरेक्ट प्लान में ही होगा. तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टेड है, फिर RIA रहे या RIA ना रहे, उनको कोई कमीशन मिलने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं आता यहाँ पर. हाँ, अगर उनका, हर्ष जी का क्वेश्चन ये है कि क्या अगर RIA उनसे फी ले रहे हैं तो क्या RIA को भी कमीशन मिलेगा, टेक्निकली ऐसा नहीं पॉसिबल है. SEBI बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि RIA या तो फी की तरह से पैसे ले सकता है जी, या एक परसेंटेज ऑफ AUM, दोनों नहीं कर सकता जी, जी, जी. तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था. अब हर्ष जी, पहले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा अलग तरीके से देना चाहूंगा. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फंड्स चुनेंगे या स्टडी करना चाहते क्योंकि खुद चुनना चाहते, ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी एस्पिरेशनल चीज है. पर ध्यान रखिए कि ये अगर कोई जो रेगुलरली करता है, जिसका ये फुल टाइम जॉब है, उसे रिप्लेस करने के लिए आप पार्ट टाइम मेहनत नहीं कर सकते. ओके, बट उस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखकर मैं आपको 2 सलाह दूंगा डेफिनेटली. कभी भी एसेट एलोकेशन अपना मेंटेन कीजिएगा और उसे मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना कीजिए. और दूसरा, अगर आपको सीखना है फंड्स कैसे चूज करें, मेरे हिसाब से फंड चूज करने के लिए फंड की बाइबल है उसकी फैक्ट शीट जी. अगर आपको फैक्ट शीट पढ़ना आ जाएगा तो आपको फंड चूज करना आ जाएगा. अब फैक्ट शीट पढ़ना आप कैसे सीखे, आप कोई भी फैक्ट शीट उठा लीजिए, उसके एंड में फैक्ट शीट में लिखे हुए वर्ड्स के मतलब क्या है वो आपको बताते हैं.
आई थिंक इससे ऊपर कीर्तन हमें एक अलग से शो करना चाहिए आधा घंटे, इसमें आई थिंक एक मिनट या दो मिनट में हम फैक्ट शीट पढ़ना शायद ना समझा सके क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो हम इस पर एक सेपरेट शो करके दर्शकों को बताएंगे। सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ ख़त्म करते हैं, क्विकली चलते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। वक्त की भयंकर कमी है तो शॉर्ट में, लॉन्ग टर्म में मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न बेहतर रहा है लार्ज कैप से, और जब लॉन्ग टर्म में ही निवेश करना है इक्विटी में हमेशा जो हम सलाह देते रहते हैं, तो क्यों ना फिर हम मिड कैप फंड ही चुने, क्यों लार्ज कैप? सो स्वाति, मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्विटी लंबे समय में अच्छा रिटर्न देती है तो हर किसी को पता है जी, पर फिर भी हम हर कोई अपना पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डाल देते, क्योंकि हमें समझना कि रिस्क कितना है वर्सेस एक्सपीरियंस करना, दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैंने जो टेबल शेयर किया है वो आप देखें जी, तो लार्ज कैप और मिड कैप अगर आप 5 साल के अंतर में देखें तो लार्ज कैप ने 16.5% रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 17.5% रिटर्न दिया है, पर वो 1% रिटर्न कमाने के लिए आप तकरीबन 3% का रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। Okay. अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो वो है 21.5 और मिड कैप का देखें तो वो है 24.5 के आजू बाजू। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक परसेंट रिटर्न ज्यादा कमाने के लिए क्या आप 3% की वॉलिटिलिटी ज्यादा लेने के लिए तैयार है या नहीं है? जी सॉरी, वक्त एक्चुअली बहुत कम है, तो टेक अवे ये है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिला है, आप मिड कैप पे ज़्यादा फोकस ना करें, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझिए और उसके हिसाब से आप निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। इस पे भी हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं कभी बाद में, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपके सवाल आपको कहाँ भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात करके आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सके। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।